प्यारे बच्चों, आज जो है लेसन नंबर 2 का विलयन की सांद्रता का अध्ययन हमें करना है। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए पहला जो होता है वह ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो जब किसी दिए गए विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए आपको विलयन की सांद्रता को सी से प्रदर्शित करते हैं। किसी दिए गए विलयन की सांद्रता को कैपिटल सी से डिनोटेट करते हैं। और विलेय पदार्थ जो आपको विलयन में विलायक में घोला गया है तो विलेय की मात्रा ग्राम में, इसको जीएम में लिखते हैं, और बटा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर। तो विलयन की सांद्रता के लिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का अनुमापन जब किया जाता है तो इसकी परिभाषा दी जाती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की सांद्रता कहलाती है। अर्थात विलयन की सांद्रता C बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो इसको लिखते हैं हम ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई दिया गया विलयन है और उस विलयन में विलेय की मात्रा जो है 20 ग्राम है, और 20 ग्राम को विलायक में घोलने के बाद आपको जो है 2 लीटर विलयन प्राप्त हुआ है। विलयन का आयतन जो है 2 लीटर प्राप्त हुआ है। तो 20 ग्राम में 2 का अगर भाग ले जाते हैं तो 10 ग्राम प्रति लीटर आपको सांद्रता आती है। तो कहने का मतलब यह है कि दिए गए विलयन में, विलयन के प्रति लीटर आयतन में 10 ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है। तो आगे वाला जो आपको वैल्यू है वह जो है विलेय की मात्रा को दिखाता है, और पीछे वाला जो प्रति लीटर है वह आयतन को दिखाता है। अर्थात एकांक आयतन में विलेय पदार्थ के ग्राम की संख्या कितनी है, तो एकांक आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। इसे हम ग्राम प्रति लीटर सांद्रता भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आपको ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। इसी तरह से ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता न ज्ञात करके मोल प्रति लीटर में भी हम सांद्रता को ज्ञात करते हैं। तो हमारा विलयन की सांद्रता का जो दूसरा पद है वह जो है मोलरता के पदों में है। किस पदों में है? मोलरता के पदों में। तो विलयन की जब सांद्रता आपको मोलरता के पदों में ज्ञात करनी हो तो लिखते हैं विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो किसी दिए गए विलयन की मोलरता को हम कैपिटल एम से डिनोटेट करते हैं। मोलरता को हमेशा कैपिटल एम से डिनोटेट किया जाता है, और इसका एक फार्मूला होता है N/V। इस फार्मूले को हमको हमेशा याद करना पड़ता है। अब परिभाषा हमेशा पुनः यहाँ से लेते हैं। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो जो स्मॉल n है, जो स्मॉल n है वह विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। इसको लिखते हैं हम विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब केमिस्ट्री वाले लोग पदार्थ की मात्रा या यौगिक की मात्रा जो विलेय पदार्थ घोला गया है उसका जो है परिमाण हमेशा मोल में व्यक्त करते हैं। और यह भी जो है वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यानी विलयन का क्या है? आयतन है। विलयन का आयतन है, तो आयतन भी, तो इसको हम लीटर में लिखते हैं। ठीक, तो यह आपका विलेय के मोलों की संख्या हो गया, और बी जो है विलयन का आयतन हो गया, और यह मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोटेट करते हैं। अब बहुत पहले पढ़ाया गया होगा आपको
कि स्मॉल एन बराबर डब्ल्यू बाई एम। तो एन जो है विलेय के मोलों की संख्या है और डब्ल्यू जो है वेट है, माने अगर किसी दिए गए विलेय पदार्थ की मात्रा जो है ग्राम में हो आपको, तो उसके अणुभार को आप निकालेंगे और अणुभार का भाग दे देंगे तो मोल आएगा। तो डब्ल्यू बाई एम जो डब्ल्यू है आपको वेट ऑफ कंपाउंड है, वेट ऑफ कंपाउंड, और एम जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। तो मोल की परिभाषा बहुत पहले पढ़ाई गई है आप लोगों को मोल के लिए, कि किसी पदार्थ या यौगिक के भार में उसके अणुभार का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे मोल कहते हैं, या ग्राम अणु की संख्या को मोल कहते हैं बहुत कम शब्दों में। लेकिन अगर आप थोड़े से उसको लंबा में करके अगर डिफिनीशन देते हैं तो किसी पदार्थ के या यौगिक के भार में उसके अणुभार का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे मोल कहेंगे, और इसी मोल की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और बिलियन का आयतन का भाग दे देंगे तो आपको मोलरता ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले आप मोलरता को ज्ञात करते हैं, और मोलरता को ज्ञात करने के लिए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को निकालेंगे। विलेय पदार्थ के जब मोलों की संख्या निकाल लेंगे तो उसके बाद आयतन का भाग दे देंगे तो मोलेरिटी आ जाएगी। मान लीजिए एक हम देते हैं उसको देखेंगे, एक छोटा सा सवाल है, ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के जो है C6H12O6 360 ग्राम को जल में घोल कर, जल में घोल कर 2 लीटर बिलियन बनाया गया, 2 लीटर बिलियन प्राप्त हुआ। तो ग्लूकोज के 360 ग्राम को जब जल में घोला गया तो जो बिलियन का आयतन आया वह 2 लीटर आया। तो ग्लूकोज के इस बिलियन की मोलरता हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, ग्लूकोज के इस बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है, यानी कैपिटल एम का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप जब मोलरता निकालनी हो तो सबसे पहले विलेय और विलायक का निर्धारण करेंगे कि विलेय पदार्थ कौन है और विलायक पदार्थ कौन है। तो सबसे पहले देखेंगे ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी C6H12O6, इसको हमने पानी में घोला और घोलने के बाद क्या बनाया, बिलियन बनाया, बिलियन बन गया। अब वह पदार्थ जिसे घोलते हैं उसे विलेय पदार्थ कहते हैं, तथा जिसमें घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं, और जो सामान्य निकाय मिलता है उसे विलयन कहते हैं। तो जो ग्लूकोज घोला गया है वह विलेय पदार्थ हो गया। तो विलेय की मात्रा हम साइड में थोड़ा लिख दे रहे हैं, विलेय की मात्रा यानी स्मॉल डब्ल्यू, तो विलेय की मात्रा डब्ल्यू का मान कितना ग्राम है, 360 ग्राम है, ठीक। और विलायक में जब पानी में घोला गया तब ना बिलियन बनाया गया, तो जो बिलियन बनाया गया वह 2 लीटर बनाया गया, तो घी का मान बिलियन के आयतन का मान 2 लीटर है। तो सबसे पहले जब हमें यह सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी होती तो हम 360 में 2 का भाग ले जाते, तो सांद्रता कंसंट्रेशन निकल जाती है आपको। ग्राम प्रति जब लीटर में ज्ञात करता है सांद्रता को तो ग्राम कितना है, 360 ग्राम, और बटा आयतन 2 लीटर है, तो इसका मतलब ये हो जाता है 180 ग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब यह हुआ कि प्रति लीटर के बिलियन में 180 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। लेकिन हमें ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का अनुमापन नहीं करना है बल्कि मोलरता के पदों में अनुमापन करना है। अतः हम जो है उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो बिलिय की मात्रा है उसको मोल में व्यक्त करेंगे। अभी हमने बताया था, कल भी बताया था आप लोगों को, कि दुकानदार जो है किसी वस्तु को तौल करता है तो ग्राम में वजन उसका तौल करता है या किलो में तौल करता है, लेकिन जो केमिस्ट्री वाले लोग होते हैं वो मोल में व्यक्त करते हैं पदार्थ की मात्रा को। तो विलेय जो ग्लूकोज आया है उसका सबसे पहले अणुभार निकाला जाए, तो C6H12
O6 का अणु है, तो सबसे पहले इसका उभार निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर वेट। तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और गुणे 6 धन, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुणे 12 और ग्लूको ऑक्सीजन का जो है 16 होता है ना, और कट है ऑक्सीजन है 6, तो 16 गुणे 6। अब 12 6 72, 12 एकम में 12, तो 12 7 84 टोटल हो जाएगा और 16 6 96 हो जाएगा। 12 6 72 और 12 एकम में 12, 72 और 12 84 और 96, 16 6 96, तो ये हो जाएगा 196 और ये 90 और ये 90 यानी 180 हो जाएगा, 96 84 180 हो गया। अब मोल, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाई एम वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, यौगिक का भार बटा यौगिक का अणु भार। यस, तो वेट कितना है 360 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना निकालें 180 भाग ले जाएंगे 18 2 36 जीरो से जीरो कट गया यानी 2 मोल कितना आया यानी 2 मोल घुला हुआ है और पानी में घुलने के बाद 2 लीटर आयतन वाला विलयन दे रहा है। तो जब मोलों की संख्या 2 मोल हमें ज्ञात हो गई तो उसके बाद फिर जो है इधर दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, तब जो है मोलरिटी यम बराबर एन बाई वी होता है। मोलरिटी जो है यम बराबर एन बाई वी होता है, तो मोलों की संख्या कितनी निकली है 2 मोल और बटा आयतन कितना था 2 लीटर। तो इसको कटाएंगे तो 1 मोल प्रति लीटर, प्रति लीटर। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 यम सोल्यूशन है, ऐसे भी लिख सकते हैं, माने 1 मोलरता वाला विलयन है, ऐसे लिखा जाता है। तो आपको कभी भी जब सवाल दिया जाए तो सवाल में जो है दिए गए विलेय की मात्रा अगर ग्राम में ज्ञात हो और मोलरता निकालनी हो तो सबसे पहले उसका अणुभार निकाल लेंगे, अणुभार निकालने के बाद उसके वजन में यानी भार में जो है भाग देकर मोल में व्यक्त करेंगे, और जैसे ही मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी तो मोलरिटी का फार्मूला लाए आएंगे, दी मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू एन बाई वी होता है 2 मोल और ये आयतन रख देंगे 2 लीटर 4 लीटर जो भी सवाल में दे, और फिर इस तरह से आप उसकी मोलरता को ज्ञात कर लेंगे। कभी कभी ये जो वैल्यू आता है उसके पीछे मोल प्रति लीटर लिख देते हैं, अगर मोल प्रति लीटर नहीं लिख देंगे तो उसको संक्षेप में कैपिटल एम लिख देते हैं। इसका मतलब 1 यम सोल्यूशन है, इसका मतलब ये होता है कि 1 मोलरता वाला विलयन है हिंदी में जब लिखते हैं। तो बात मोलरता की समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? अब जो है विलयन की मोलरता को ज्ञात करने के बाद जो हमारा अगला चरण है वह है आपको मोलर समीकरण, इसको थोड़ा सा समझेंगे। मोलर समीकरण, ठीक, तो मोलर समीकरण किसे कहते हैं यह एक प्रश्न उठता है। इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन हम देते थे कि किसी दिए गए विलयन की मोलरता उसके आयतन के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक लाइन का आपको डिफिनीशन याद करना होगा, किसी दिए गए विलयन की मोलरता यदि कैपिटल एम हो तो उसके आयतन के मान जो विलयन बनेगा उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एम डायरेक्टली टू 1/V होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या 2 मोल है, 1 लीटर पानी के विलयन में उसमें घुला गया पदार्थ और उसमें 2 मोल घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी बताइए? 2 मोल घुला हुआ है 1 लीटर में, तो यह हो जाएगा 2 कैपिटल एम, यानी 2 मोल प्रति लीटर वाला विलयन है तो 2m होगी। लेकिन उसमें और पानी मिला दिया जाए यानी इस भी का मान बढ़ा दिया जाए, मान लो 4 लीटर कर दिया, तो अब जो है इसका 1/2 यानी 0.5 कैपिटल एम आया। तो अब पहले मोलरता जो थी वो 2 था, अब 0.5 है, यानी जैसे जैसे यह आयतन का मान बढ़ाए वैसे वैसे यह मोलरता का मान क्या हुआ है घटा, यानी इसका मान बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और ये अधिक हो रहा है इसका मतलब आयतन कम हो रहा है, तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए यहाँ जो डिफिनीशन दी गई है कि किसी दिए गए विलयन की मोलरता का मान उसके विलयन के आयतन की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यम डायरेक्टेड टू 1/V। अब
यदि हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कैपिटल एम बराबर के इंटू वन अपान वी होगा, और वी को इधर लेके आए तो एम इंटू वी इज इक्वल टू के, ये आपको समीकरण आता है, इसको समीकरण नंबर एक मान लिया जाए। यानी मोलारता और आयतन का गुणनफल स्थिरांक होता है, नियत होता है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन केमिस्ट्री वाले लोग कांस्टेंट की जगह पे स्थिरांक का प्रयोग करते हैं, कांस्टेंट को नियतांक नहीं बोलते हैं। अब माना कि एक बिलियन दिया गया, सॉल्यूशन नंबर एक क्या दिया गया है, एक को एक बिलियन दिया गया है जिसकी मोलरता एम वन है, क्या है एम वन है, और आयतन वी वन। तो इस समीकरण के अनुसार यदि हम सेट करें तो एम वन डायरेक्टली टू वन अपान वी वन होगा, या इसको लिख सकते हैं एम वन इज इक्वल टू के वन अपान वी वन, या इसको लिख सकते हैं एम वन वी वन इज इक्वल टू के, इसको समीकरण दो मान लीजिए। इसी प्रकार अगर किसी दूसरे बिलियन के लिए मोलरता एम टू हो और आयतन वी टू क्या हो, किसी दूसरे सोल्यूशन के लिए, किसी दूसरे बिलियन के लिए यदि उसकी मोलरता एम टू और आयतन क्या हो वी टू, तब फिर एम टू डायरेक्टेड टू वन अपॉन वी टू होगा, या एम टू इज इक्वल टू के वन अपॉन वी टू, इसको इधर लाएंगे तो एम टू गुड़े वी टू इज इक्वल टू के, इसका भी स्थिरांक मोलरता और आयतन का गुणनफल स्थिर होता है या नियत होता है, इसको समीकरण नंबर तीन कर लीजिए। ये तो कॉमन था एक चीज के लिए, सबके लिए, लेकिन यह दो बिलियनों के लिए अलग अलग हमने निकाला है। तो प्रथम तथा द्वितीय बिलियन का स्थिरांक की तुलना करने पर, या समीकरण एक दो और तीन की तुलना करने पर, तो के बराबर के हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू हो जाएगा। अरे भाई इतना बराबर के है और इतना बराबर के, इसलिए इतना बराबर इतना हो जाएगा। इसे हम मोलर समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी दो दिए गए बिलियनों के लिए उनके मोलरता और आयतन का गुणनफल सदैव नियत होता है, और उनसे जो आपको समीकरण प्राप्त होता है उसे मोलर समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर समीकरण कहते हैं। थोड़ा बोला करिए आप लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़े स्टार्ट करिए। अब जो है आगे थोड़ा मोलरता को, मोलरता का जो फार्मूला है उसको और विस्तृत करेंगे। तो किसी बिलियन की मोलरता को कैपिटल एम से डिनोटेड करते हैं, और एम बराबर एन बाई वी होता है, लेकिन बिलियन की मोलों की संख्या स्मॉल एन बराबर डब्ल्यू बाई एम है, ये फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। इसको समीकरण नंबर एक मानिए, इसको समीकरण नंबर दो मानिए। समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, तो मोलिडिटी कैपिटल एम बराबर एन की जगह पर रख देंगे तो डब्ल्यू बाई एम इंटू थ्री, एम नीचे आ जाएगा ना, तो ये आपका जो है मोलारिटी इज इक्वल टू, यानी कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू है बिलियन की मात्रा है, वेट ऑफ कंपाउंड, और यह कैपिटल एम बिलियन का उभार है, और भी जो है बिलियन का आयतन है लीटर में। तो ये फार्मूला आप ज़्यादा यूज करते हैं, इस फार्मूले का बहुत कम प्रयोग होता है, क्योंकि सवाल में हमेशा आपको बिलियन पदार्थ का जो है भार दिया रहेगा, आपको मूल नहीं दिया रहेगा, इसलिए इस फार्मूले का ज्यादा यूज करेंगे। बात समझ आया, अब आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद मोलरता के बाद जो है आपको एक मूल लता आता है, मूल लता। अब देखिए उसमें मूलरता है या मूल लता है, मूल लता को जो है स्मॉल एम से डिनोटेट करते हैं, उसको भी एम से, इसको भी एम से, लेकिन वो कैपिटल एम से डिनोटेट करते हैं, और मूल लता को स्मॉल एम से डिनोटेट करते हैं। इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, एक किलोग्राम विलायक भार में, एक किलोग्राम विलायक भार में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलेय के
मोलों की संख्या बिलियन की मोल लता कहलाती है, बिलियन की मोल लता कहलाता है। यह एक छोटी सी परिभाषा है। यहां विलायक को लेता है, एक किलोग्राम विलायक भार में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी कि जब मोल लता हमें ज्ञात करनी होगी तो मोल लता ज्ञात करते समय आपको विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या आपको निकालनी ही होगी। देखिए विलेय के मोलों की संख्या, तो यह जैसे मोलरता में निकालते हैं वैसे इसमें भी निकालना होगा, लेकिन भाग हमको किससे देना है, विलायक की मात्रा से। अब बिलियन का आयतन का भाग नहीं देना है, विलायक की मात्रा से भाग देना है। अब देखिए मोललता के लिए फार्मूला जो निकाला गया है, बिलियन की मोललता इस्माल यम बराबर विलेय के मोलों की संख्या, आगे हिंदी फार्मूला जानेंगे, विलेय के मोलों की संख्या इस्माल एन बटा विलायक का भार, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू, और यह होगा के जी। एक छोटी सी परिभाषा है और इसी के आधार पे आप लगाएंगे, परंतु यह जो है परिभाषा जो दी गई है वह किलोग्राम के आधार पर दी गई है, लेकिन जो सवाल लगाने के लिए देगा वह विलायक का भार हमेशा ग्राम में देगा, तो इसीलिए इस सूत्र को हम चेंज करते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या इस्माल एन और विलायक का भार यदि ग्राम में दिया हो, विलायक का भार जीएम में, यानी कि ग्राम में दिया हो, तो विलायक का भार ग्राम में दिया हो तो हमको केजी में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। अब ये पूरा हमारा वैल्यू किसमें चेंज हो गया, केजी में हो गया। अब इस सूत्र को थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो हमारा हो जाएगा बिलियन की मूल अलता इस्तेमाल एन एम बराबर एन बटा विलायक का भार ग्राम में, यानी कैपिटल डब्ल्यू कोष्टक में लिख देते हैं जी एम में, और गुड़े या 1000 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये फार्मूला आएगा और इसी फार्मूले का यूज हमें करना है। विलेय की मोललता इस्माल यम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। यह 1000 कहाँ से आया है, इस विलायक के भार जो ग्राम में दिया है उसको केजी में बदलने के लिए आया है। और बेसिक फार्मूला यही है, परिभाषा हमेशा इससे दी जाती है, लेकिन जब सवाल लगाने की बात होती है तो इस फार्मूले का यूज करते हैं, क्योंकि हमेशा विलायक का भार ग्राम में देगा। मोललता से संबंधित एक सवाल हम आप लोगों को बोल रहे हैं, उसको लिखेंगे। देखिए मैं इस पे लिख भी दे रहा हूँ और बोल भी दे रहा हूँ, दोनों काम एक साथ चलेगा। देखिए 2.82 ग्राम 2.82 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं यह जो ग्लूकोज दिया गया है उसकी मात्रा 2.82 ग्राम है, जब इसको हम पानी में घोल रहे हैं तो जो विलायक है उसकी मात्रा 30 ग्राम है। तो जब विलायक की मात्रा आपको दिया गया हो तो सवाल में मोलरता के जगह पे मोललता ही पूछेगा, लेकिन जब विलायक की मात्रा न दे करके विलयन का आयतन देगा तब मोलरता पूछेगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है आपको, बात समझ आए ना। शब्दों का चयन केमिस्ट्री में जो सवाल होते हैं वो शब्द पे निर्भर करते हैं, एक शब्द थोड़ा सा अंतर हुआ तो सवाल बदल जाएगा, बात समझ आया। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे जो आपका ग्लूकोज है वह ग्लूकोज को किसमें घोला है,
जल में घोला है, घोलने के बाद क्या बनाया है, विलयन बनाया है। ठीक, तो जब ग्लूकोज को जल में घोला है तो विलयन बना है। अब ग्लूकोज विलेय पदार्थ हो गया, पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, और ये विलयन बन गया। तो इसकी मात्रा आपको 30 ग्राम है, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू का मान। कैपिटल डब्ल्यू हमेशा विलायक को यूनिटेड करता है, और यह स्मॉल डब्ल्यू है, ग्लूकोज की मात्रा हमेशा विलेय की मात्रा। विलयन में हमने पढ़ाया था कि विलेय की मात्रा सदैव कम और विलायक की मात्रा सदैव अधिक होती है। तो ग्लूकोज की मात्रा दिया है 2.82 ग्राम। ठीक, तो जो विलेय पदार्थ है उसको मोल में व्यक्त करिए, क्योंकि 1 किलोग्राम विलायक भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोल अलता कहलाती है। तो ग्लूकोज का अणु भार निकालेंगे तो अभी निकाला गया है, कितना आया था, 180 आया था ना। कुछ यौगिक के आपको अणु भार जमा नहीं याद होने चाहिए, 180 हुआ। अब देखो n बराबर क्या होता है, w बाई यार, तो वेट ऑफ कंपाउंड ग्लूकोज का जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम है, 2.82, और अणु भार कितना है, 180। ठीक, इसको ऐसे ही छोड़े रखिए। अब मोल अलता स्मॉल m बराबर n बटा कैपिटल w इंटू मल्टीपल ऑफ 1000, ये फार्मूला होता है। किसी दिए गए ब्लेंड की मोल अलता विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000 होता है। अब इस फार्मूला को लेते हैं और सवाल को लगाते हैं। तो मोलिलिटी m बराबर n की मात्रा 2.82 बटा 180 और फिर बड़ा बटा देंगे, विलायक का भार 100 ग्राम है, 30 ग्राम है, और मल्टीपल 1000, ये हो जाएगा 2.82, 180 नीचे आ जाएगा, गुणे 30 ये नीचे आ जाएगा, मल्टीपल 30 और मल्टीपल 1000। अब 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, ये 10 का गुणा करेंगे तो ये आपको 28.2 हो जाएगा। एक अंक डेसिमल जो है आपको लेफ्ट से राइट की तरफ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब ये 18 गुणे 3 हो गया। अब देखिए ये आपका जो है 3×9=27, 1 बचेगा 12 होगा, कट जाएगा, कटाइए 3 से, 3×9=27, 1 बचा 12 हुआ, 3×4=12, 9.4। अब इसको आप कटाते हैं, देखिए भाई गणित वालों के कटाने में और केमिस्ट्री वालों में बड़ा अंतर है, इसीलिए गणित वाले कहीं कहीं फेल मार जाते हैं। 9.4 है और ये 18 है। ठीक, तो ये 0.1 पॉइंट पे है, तो सबसे पहले 0.1 को हटा लेते हैं, केमिस्ट्री वाले जो सीधा सरल कर लेते हैं। देखो 94 बटा 180 हो गया। अब इसको कटा ले जाइए, 2×4=7=14, 47 हो गया, ये 90 हो गया ना, 47/90 हो गया कि नहीं हो गया। अब 90 को ABC क्या लिखते हैं, 9 गुड़े, हमने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ किया, इधर का आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। अच्छा ठीक है, सवाल उधर प्रश्न को हम मिटा देंगे। अब देखिए वो हमारा आया वैल्यू mol 47/9×10, 9 5 इसको भाग ले जाओ, 9 5 45, 2 × 20 हुआ, 9 × 2=18, ऐसे 2 करके आएगा। ठीक, और भागा 10, अभी एक अंक है तो इस 10 का जब भाग ले जाएंगे तो ये 0.0 यहाँ आ जाएगा, 0.5222222 एंड सो ऑन, लगातार उसी की आवृत्ति हो रही है, इसलिए 2 अंक तक रखेंगे और लिख देंगे क्या, मोलल सोल्यूशन, यानी कि 0.52 मोललता वाला विलयन है, हिंदी में लिखते हैं। तो ये तरकीब समझ में आया ना, अब भागों को देने वाला काम हम नहीं करते हैं, हम ऐसे ही कर देते हैं। तो आप लोगों को भी कुछ तरकीब से ही काम करना है, क्योंकि परीक्षा के समय आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो इसलिए हमको प्रेशर के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि उस समय सवाल सही नहीं जाएंगे। आपको ठंडे दिमाग से जो है
कुछ युक्तियों का प्रयोग करते हुए डिवाइड वाला काम और मल्टीप्लिकेशन वाला काम करना है, इसको नोट करिए। इक्विवेलेंट वेट, इसको हम कैपिटल ई से डिनोटेट करते हैं। तो किसी यौगिक का जब तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए आप जो आपको यौगिक दिया गया है उस यौगिक का अनुभार, यौगिक का जो आपको अनुभार आएगा, जो मॉलिकुलर वेट आएगा, उसमें उस यौगिक के आयनों की संख्या का भाग दे दीजिए। आयनों की संख्या का भाग दे देंगे तो आपको एक्विवेलेंट आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो इसकी डिफिनेशन दी जाती है, किसी दिए गए यौगिक का तुल्यांकी भार उस यौगिक के अणुभार में उसके आयनों की संख्या का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम यौगिक का तुल्यांकी भार कहते हैं। अब जैसे एक उदाहरण देते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का अणुभार निकालना है। क्या निकालना है? Na2CO3 का तुल्यांकी भार निकालना है, एक्विवेलेंट वेट निकालना है। तुल्यांकी भार E बराबर, अब ये बताइए सोडियम कार्बोनेट का अणुभार क्या होगा? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में सोडियम का जो है परमाणु भार 23 होता है, गोरे दो, सोडियम इज द नंबर ऑफ टू एंड द कार्बन इज द 12 एंड द ऑक्सीजन इज द 16 एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, अब देखिए 23 दूना 46, 16 क्या 48, 48 12 60, 60 46 106, 106 106 होगा ना। और अब देखो पहला ये तत्व जो है सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 का 2 8 और 1 होगा ना। सोडियम के अंतिम संयोजी को उसमें 1 है, कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा? 1 का, इसलिए Na पे सिंगल धनायन होगा। क्या होगा? सिंगल धनायन, सोडियम इज द सिंगल पॉजिटिव चार्ज, वी कॉल द सोडियम आयन। अब सोडियम पे 1 चार्ज है और इस सूत्र में Na कितने हैं, सोडियम कितने हैं? 2 है। तो यदि नीचे 2 का गुणा करते हैं तो डबल धनायन हो गया, तो आयनों की संख्या कट है आई 2 से आई, यानी कि आयनों की संख्या 2 है। ठीक, अब ये आपका टोटल वैल्यू आया 106 और बटा 2, 2 का भाग ले जाएंगे तो क्या आएगा? 53, 53 तुल्यांक, तुल्यांक इसमें नहीं लिखते हैं, इसमें 53 केवल लिखेंगे। तो ये आपका जो है 106 में 2 का भाग ले गए तो 53 आया, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 होगा। तो इस तरह से किसी दिए गए लवण का जब हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना होगा तो उस दिए गए लवण के और भार में उसके आयनों की संख्या का भाग दे दीजिए। अब सोडियम था, सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज था, तो उसमें चूंकि फार्मूले में Na2CO3 लिखा है तो Na में 2 का गुणा करेंगे, तो 1 पॉजिटिव चार्ज में 2 का गुणा करेंगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज डबल होंगे, जब डबल होंगे तो आप आयनों की संख्या 2 का भाग दे देंगे तो 53 आया। ठीक इसी तरह से जब आपको जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 है, तो H2SO4 का जब आपको तुल्यांकी भार E का मान निकालना हो तो H2SO4 का अणुभार ज्ञात करते हैं। तो अणुभार इसका निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 धन सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और गुणे ऑक्सीजन 4 है तो 4 बटा, और चूंकि यह अम्ल दिया गया है तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं तो 2 को भाग दे देंगे, या हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है और नीचे 2 का गुणा होगा तो आयनों की संख्या 2 हो जाएगी, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं तो 2 का भाग दे जाएंगे तो यह 16 64 और 32 96 और 96 2 एकम में 2 96 2 98 तो 98 में 2 का भाग ले जाएंगे तो क्या आएगा? 49 यानी 49। H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका तुल्यांकी भार 49 आया। तो इस तरह से अम्लों का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उस दिए गए अम्ल के अणुभार में हाइड्रोजन की संख्या का भाग दे दें, हाइड्रोजन यहाँ 2 था तो 2 का भाग दे देंगे तो तुल्यांकी भार आ गया। अगर वही अम्ल जो है 1 क्षार की अम्ल, ये तो द्विक्षार की अम्ल है, एनी एसिड इज द हाइड्रोजन इज द नंबर ऑफ 2, वी कॉल द डाइबेसिक एसिड इन द इंग्लिश लैंग्वेज एनसीईआरटी में। यदि किसी दिए गए अम्ल में हाइड्रोजन की संख्या 2 तो उसे द्विक्षारकीय अम्ल कहते हैं।
और यदि तीन हो तो त्रिक्षारकीय अम्ल कहते हैं, और एक हो तो एक क्षारकीय अम्ल कहते हैं। तो किसी दिए गए अम्ल का जब आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करने हो तो सबसे पहले अम्ल के अणु भार में उसके हाइड्रोजनों की संख्या का भाग दे देंगे तो आपको तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाएंगे। और H3PO4 आपको फास्फोरिक अम्ल है तो उसका तुल्यांकी भार निकालना होगा, तो फिर 98 में 3 का भाग दे देंगे, वैसे आपको निकालना होगा। अगर क्षार होंगे तो OH जितने होंगे तो उतना का भाग दे देंगे, और लवण होंगे तो इस तरह से आयनों की संख्या से भाग दे देंगे। तो इस तरह से तुल्यांकी भार आप ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई? बोलिए। तो तुल्यांकी भार ज्ञात करने का हमने एक तरकीब आपको बताया, अम्लों के लिए भी, क्षारों के लिए भी और लवणों के लिए भी। फार्मूला भी पहले का हम पढ़ाए हैं इसमें। अब एक तुल्यांक संख्या होता है, क्या होता है? तुल्यांक संख्या। तुल्यांकी भार के बाद एक तुल्यांक संख्या निकाला जाता है, इक्विवेलेंट नंबर। तुल्यांक संख्या किसे कहते हैं, इसको समझना जरूरी है। ध्यान दें प्यारे बच्चों, यदि किसी यौगिक के तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर रही हो तो उस यौगिक के भार में यानी कि ग्राम में उसके तुल्यांकी भार का भाग दे दें तो तुल्यांकों की संख्या निकल जाएगी। जैसे हम अगर 30 ग्राम कोई यौगिक लिए हैं और उसका तुल्यांकी भार 10 है तो 10 का भाग ले जाएंगे तो उसमें तुल्यांकी भारों की संख्या जितनी होती है, जितने तुल्यांकी भार उसमें सम्मिलित हैं वही उसकी तुल्यांक संख्या कहलाता है। तो जैसे यौगिक का भार 30 ग्राम है और उसका तुल्यांकी भार 10 है तो 10 का भाग ले जाएंगे तो तुल्यांक संख्या 3 आएगी, माने 3 तुल्यांक उसमें घुले हुए हैं। तो तुल्यांक संख्या निकालने का यूज जो है आप करेंगे, किसी दिए गए यौगिक के भार में उसके तुल्यांकी भार का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे इक्विवेलेंट नंबर कहते हैं। बात समझाया ना? और तुल्यांक संख्या का प्रयोग हमेशा नॉर्मलता निकालने में, किसी दिए गए विलयन की नॉर्मलता को ज्ञात करने में किया जाता है। बात समझ आया? तो नॉर्मलता को ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे विलयन की नॉर्मलिटी आपको ज्ञात करनी होती है, नॉर्मलता, इसको नॉर्मलिटी बोलते हैं। तो नॉर्मलिटी जब ज्ञात करनी होती है तो इस तुल्यांक संख्या का प्रयोग करते हैं। विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या और बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर, ये फार्मूला का यूज करते हैं नॉर्मलिटी के लिए। अब ध्यान दीजिए, किसी विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए उस विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या कितनी है, जो घुला हुआ है, जो विलेय पदार्थ घोला गया है उसको तुल्यांकी संख्या कितनी है, उसमें विलयन के आयतन का भाग दे देंगे तो नॉर्मलिटी हमारी ज्ञात हो जाएगी। अब एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। माना कि किसी विलयन के एक लीटर आयतन में एक तुल्यांक घुला हुआ है। यदि किसी दिए गए विलयन के एक लीटर आयतन में एक तुल्यांक विलेय पदार्थ घुला हुआ है तो उस विलयन की नॉर्मलता एक में एक का भाग देंगे एक तुल्यांक प्रति लीटर। तुल्यांक प्रति लीटर को यन बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, यानी कि वह विलयन 1 यन अर्थात एक नॉर्मलता वाला विलयन है, या एक तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रता वाला विलयन है, ऐसे भी बोलते हैं। तो हम तुल्यांक प्रति लीटर को कैपिटल यन से यूनाइटेड कर लेते हैं, अर्थात विलयन की नॉर्मलता 1 यन है। लेकिन यदि किसी विलयन में, अगर मान लो विलयन का आयतन 1 लीटर है और तुल्यांकों की संख्या जो है 4 है या 2 है,
तो फिर दो में एक का भाग ले जाएंगे तो दो होगा यानी टू एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू एन हो जाएगा। अगर तीन तुल्यांक गुला होगा एक लीटर के आयतन में तो थ्री एन हो जाएगा, चार तुल्यांक रहेगा तो फोर एन हो जाएगा, तो तुल्यांकों की संख्या बढ़ेगी। अब एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि मान लीजिए जो विलायक है उस विलायक भार में जो विलेय पदार्थ घोला गया है तो विलायक की मात्रा स्थिर है और विलेय पदार्थ की मात्रा बार बार हम बढ़ा रहे हैं, यानी वो विलयन सांद्र हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। तो जब विलयन की मात्रा, अगर उसमें विलायक की मात्रा स्थिर कर दिया जाए और जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा बढ़ा दिया जाए यानी सांद्र कर दिया जाए विलयन को, तो तुल्यांकों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जब उसकी मात्रा बढ़ेगी और तुल्यांकी भार का भाग देंगे तो तुल्यांक संख्या बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। अगर तुल्यांक संख्या बढ़ेगी तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी विलयन की नॉर्मलता का मान उसके आयतन के बीच समानुपाती होगा, यानी कि अगर पानी मिला दिए विलायक की मात्रा बढ़ा दिए तो नॉर्मलता घटेगी। अरे भाई तुल्यांकों की संख्या अगर बढ़ रही है, कहने का मतलब यह है उस विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो तुल्यांक संख्या बढ़ेगी, और जब तुल्यांक संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब नॉर्मलता बढ़ेगी, और यदि आयतन को स्थिर रखना है तब। लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है कि किसी दिए गए विलयन की नॉर्मलता उस विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसमें पानी और मिला रहे और मिलाइए और विलेय पदार्थ को मत मिलाइए, तो पानी की मात्रा मिलाते जाएंगे तो फिर विलयन का आयतन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वह जो विलयन है वह काफी डायल्यूट हो जाएगा, बहुत तनु हो जाएगा, बहुत उसमें विलेय की मात्रा अल्प हो जाएगी। जब विलेय की मात्रा अल्प हो जाएगी तो तुल्यांकों की संख्या घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी, जब तुल्यांकों की संख्या घट जाएगी तो नॉर्मलता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यानी किसी दिए गए विलयन का आयतन बढ़ाने पर उसकी नॉर्मलता घटती है, इसीलिए यहाँ डायरेक्टिव टू वन अपान करके व्युत्क्रमानुपाती करके लिखा गया है। लेकिन यदि किसी विलयन की नॉर्मलता का मान विलेय की मात्रा जो है बढ़ा दिया जाए और आयतन को स्थिर कर दिया जाए, अर्थात विलायक की मात्रा ना बढ़ाई जाए, अर्थात विलयन को गाढ़ा कर दिया जाए, तो फिर नॉर्मलता का मान बढ़ता है। तो सांद्र विलयनों में नॉर्मलता अधिक और तनु विलयनों में नॉर्मलता कम होती है। बात समझ में आई, तनु विलयनों में नॉर्मलता कम होगी क्योंकि तनु विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ रही है, विलयन का आयतन बढ़ रहा है, विलेय की मात्रा नहीं बढ़ रही है, इसलिए उसमें नॉर्मलता घटती जाएगी। जितना पतला होता जाएगा वैसे ही जो है नॉर्मलता का मान घटता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे विलयन गाढ़ा होता जाएगा विलायक की मात्रा उतना ही स्थिर रखे हैं और विलेय की मात्रा घोलते जा रहे हैं तो विलयन गाढ़ा होगा कि नहीं होगा, तो जैसे जैसे विलयन गाढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे नॉर्मलता का मान बढ़ता जाएगा। तो यह जब कम होता है तो इसका मान बढ़ता है, और जब ये बढ़ता है तो इसका मतलब इसका मान घट रहा है, ये है कहने का मतलब। तो इसको थोड़ा सा हम अभी समझाएंगे। तो नॉर्मल समीकरण, इसके बाद का जो पद है जो प्रोसीजर है उसको हम नॉर्मल समीकरण या तनुता समीकरण कहते हैं, उसको भी आज हम अध्ययन करेंगे कि तनुता समीकरण क्या है। तनुता समीकरण, तनुता समीकरण को कुछ लोग नॉर्मल समीकरण भी कहते हैं, नॉर्मल समीकरण, ठीक। तो जैसे नॉर्मलता को आप जाने हैं तो एक इसकी परिभाषा है, परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट रूप से समझेंगे। किसी विलयन की नॉर्मलता, किसी विलयन की नॉर्मलता कैपिटल एन विलयन के आयतन की, विलयन के आयतन, विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये एक फार्मूला हमने लिखा। अब ध्यान दीजिए बाबू, किसी विलयन की नॉर्मलता कैपिटल एन डायरेक्टली टू विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती यानी वन अपान भी,
तो यन डायरेक्टली टू वन अपॉन बी, यानी जी का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, अर्थात बिलियन का आयतन जैसे जैसे बढ़ेगा, अर्थात कैसे बढ़ेगा, या तो मिलाए की मात्रा बढ़ाएंगे तब ना बढ़ेगा। तो जैसे जैसे भी का मान बढ़ेगा, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, तो नॉर्मलता घटेगा, और जैसे जैसे नॉर्मलता बढ़ेगी इसका मतलब आयतन घट रहा है, आयतन जो है विलेय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे और आयतन स्थिर रखेंगे, तो ये नॉर्मलता का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, विलेय की मात्रा बढ़ाते जाइए। तो यन डायरेक्टली टू वन अपान बी, या इसको एबीसी लिखते हैं, यन प्रोपोर्शनल को हटाएंगे के इंटू वन अपान बी, या लिख सकते हैं यन इज इक्वल टू के अपान बी, या इसको लिख सकते हैं एन बी इज इक्वल टू के, नॉर्मलता गुणे आयतन बराबर के, यानी नॉर्मलता और आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, नियत होता है, किसी बिलियन की नॉर्मलता और आयतन का गुणनफल नियत होता है, यहाँ पर ये नीचे लिख सकते हैं। अब किसी दो दिए गए बिलियनों के लिए, देखिए इधर, किसी दो दिए गए बिलियनों के लिए, एक आपको सलूशन ए सलूशन है, दूसरा बी सलूशन है, ठीक, ए सलूशन जो दिया गया है उसकी नॉर्मलिटी एन वन है और इसका आयतन वी वन है, बी सलूशन के लिए जो है नॉर्मलिटी एन टू और आयतन वी टू। तो पहले बिलियन के लिए अगर देखा जाए, फर्स्ट स्टेप, पहले बिलियन के लिए देखा जाए तो एन वन डायरेक्टली टू वन अपान वी वन होगा, या एन वन इज इक्वल टू के अपान वी वन, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एन वन वी वन इज इक्वल टू के, समीकरण नंबर एक। इसी तरह सेकेंड स्टेप, इधर से दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, यस, सेकेंड स्टेप देखेंगे दूसरा में, कि एन टू डायरेक्टली टू वन अपान वी टू, या एन टू इज इक्वल टू के, कांस्टेंट लगाएंगे, इसको हम बोलते हैं ना नॉर्मल स्थिरांक, के अपान वी टू, या एन टू वी टू इज इक्वल टू के, समीकरण नंबर दो, क्वेश्चन नंबर टू, समीकरण एक और दो का तुलना करने पर दोनों के जो है, अब यहाँ पर एक फार्मूला आता है ना, किसी बिलियन की नॉर्मलता और आयतन का गुणनफल नियत होता है, लिखते हैं निजमा, अब इन दोनों का कंप्लीमेंट करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू, और इसे ही बोलते हैं तनुता समीकरण या नॉर्मल समीकरण, इसे क्या बोलते हैं, तनुता समीकरण। किसी दो दिए गए बिलियनों के लिए, दोनों बिलियनों के लिए उनके नॉर्मलता और आयतन के गुणनफल से जो समीकरण हमें प्राप्त होता है उसे जो है हम तनुता समीकरण कहते हैं, इसका अध्ययन हमने यहाँ पर किया है। आगे जो है हमारा नॉर्मलता व मोलरता में संबंध है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, इसको हमें पढ़ना है। किसी दिए गए बिलियन की नॉर्मलता व दिए गए बिलियन की मोलरता में क्या संबंध है, उसको जो है हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नॉर्मलता n बराबर, आप लोगों ने पढ़ा, विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या, एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। तो तुल्यांकों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर, बहुत ही संक्षेप में हम लिखेंगे। अब तुल्यांकों की संख्या के लिए आपको किसी पदार्थ या यौगिक का वजन दिया हो, यानी वेट दिया हो, तो उसमें तुल्यांकी भार का भाग दे देते हैं तो यह तुल्यांक संख्या हो जाएगा, और बटा भी, या इसको लिख सकते हैं W बटा E भी, तुल्यांकी भार को नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये आपका नॉर्मलता बराबर स्मॉल W बटा कैपिटल E भी, ये फार्मूला आएगा, इसको समीकरण नंबर एक मान लिया जाए। मोलरता, बिलियन की मोलरता को जब आप ज्ञात करते हैं, मोलरता, तो किसी दिए गए बिलियन की मोलरता एन बराबर होता है एन बाई बी, यानी बिलियन के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में, अब एन को लिखते हैं डब्ल्यू बाई एम, और ये बी इधर आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर दो मान लिया जाए।
अब किसी दिए गए विलयन की नॉर्मलता और मोलरता में संबंध ज्ञात करने के लिए समीकरण एक में समीकरण दो का भाग ले जाएंगे, तो लेफ्ट से लेफ्ट में भाग ले जाएंगे और राइट से राइट में भाग ले जाएंगे, तो नॉर्मलता में मोलरता का भाग ले जाएंगे, तो ये आपका आगे बनता है n बाई m, यानी नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर। अब n का वैल्यू आपको दिया गया है w बटा ev, w बटा ev, और मोलिडिटी का वैल्यू दिया है स्मॉल w बटा एम बी, स्मॉल w बटा एम बी। अब इसको n बाई m को लिखते हैं नॉर्मलिटी बटा मोलिडिटी, माने n बाई m बराबर, ये w आपका विलेय का भार है, यानी कि स्मॉल w बटा ई बी एक्विवेलेंट वेट इंटू वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीपल यम भी जो है विलेय का अनुभार और गुड़े आयतन ऊपर चला जाएगा, तो इसको एम बी लिख देंगे बटा, और यह डब्ल्यू नीचे ही रह जाएगा, तो विलेय का भार और विलेय का भार कट जाएगा एक दूसरे से, और उसके बाद जी से भी को डिनोटेट करेंगे तो इसको भी काट लेंगे, तो ये हो जाएगा नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर, यह अनुभार है यह तुल्यांकी भार है, तो एम बाई ई हो जाएगा। इसको फिर लिखते हैं नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर एम बाई ई, यानी अनुभार में तुल्यांकी भार का भाग देंगे तो स्मॉल एन आता है, और एन को जो है हम आयनों की संख्या कहते हैं, आयनों की संख्या कह लीजिए या संयोजकता कह लीजिए या क्षारकता कह लीजिए, बहुत कुछ कहा जाता है। तो यह आपका रिलेशन आया नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू स्मॉल एन, या एक फार्मूला इसका बनता है कि नॉर्मलता बराबर क्षारकता गुणे मोलरता, एम बराबर एन इंटू एम होता है। तो अगर अम्ल रहेगा तो अम्ल की मोलरता में उसकी क्षारकता का गुणा कर देंगे तो नॉर्मलता का माना जाएगा, तो ये आपका जो है सिद्ध हुआ नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो इसको हम लिखते हैं अम्ल के लिए नॉर्मलता बराबर अम्ल की नॉर्मलता बराबर क्षारकता गुणे मोलरता, ये होता है।